जब हम कॉन्वर्सेशन में होते हैं, जब हम उनसे बात कर रहे होते हैं, तो अक्सर हमारे बीच एक लंबी लंबी खामोशी आती है, और आमतौर पर वो हमें खामोशी हमें बुरी नहीं लगती, वो बड़ी प्यारी लगती है। तो उस खामोशी के पीछे का लॉजिक क्या था कि जब एक समय पर हम साथ थे और वो मेरे बगल में थी बट वो खामोश थी, तो उस समय मेरे अंदर क्या चल रहा था, इसके ऊपर मैंने कुछ लिखा, सुनिएगा कि अरे इतनी खामोश क्यों हो तुम, इस पल को जीने में इतनी मदहोश क्यों हो तुम, क्या तुम्हारी सारी बातों का पिटारा खाली हो गया है, या वो सारी छोटी बड़ी कहानियां जो तुम मुझे ऐसे ही बात बात पर सुना दिया करती थी तुम्हारा साथ छोड़कर कहीं गायब हो गई, क्या अब उन सारी उलझनों का हल निकाल लिया तुमने, या बचपन की उन सारी याद का जिक्र कर दिया मेरे सामने जो तुम यूं ही बेख्याली में मेरे सामने कर दिया करती थी, आखिर इतनी खामोश क्यों हो तुम, पूरे होश और आवाज में भी इतनी बेहोश क्यों हो तुम, क्या मेरी कोई बात तुम्हें बुरी लग गई, या मेरे किसी मजाक का तुमने गलत मतलब निकाल लिया, वो मजाक जो मैं यूं ही थोड़ी थोड़ी देर पर तुम्हारे चेहरे पर एक हंसी लाने के लिए कर दिया करता, या मेरी वो छोटी बड़ी अजीब हरकतें जिन्हें दूर करने की मैं पूरे दिल और जान से कोशिश कर रहा हूँ, अब तुम्हारे लिए बर्दाश्त से बाहर हो गई, न जाने इतने खामोश क्यों हो तो बताओ ना इतने खामोश क्यों हो, लेकिन हाथ तो तुमने मेरा अब भी थामा हुआ है, क्या आंखें बंद करके मेरे हाथ के जरिए मेरे दिल तक पहुंचने की कोशिश कर रही हो, जो आंखें खोल कर और बातें कर कर होना जरा मुश्किल है, या तुम खामोश रहकर अभी इस पल को अपने अंदर सोख रही हो, वो पल जिसमें हम बिना बीते हुए कल की अफसोस आने वाले कल की फिक्र किए सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के साथ होने के एहसास को अपने अंदर कैद कर रहे हैं। अच्छा, तो इसलिए इतने खामोश हो तुम, वो पल जो आज के बाद कभी लौट कर नहीं आएगा उसे जीने में इतनी मत खुश हो तुम। बहुत बहुत शुक्रिया।